हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हैं पुणे में हड़पसर एरिया में। आज हम एक बड़े कार बाज़ार में आए हैं जिसका नाम है मातोश्री मोटर्स। तो दोस्तों आज हम मातोश्री मोटर्स के जो पार्टनर है जिनका नाम है मिस्टर अजिंक्य मोरे सर। तो दोस्तों आज हम सर से प्री ओन कार सेकेंड हैंड कार के बिजनेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे आप आपके गांव से आपके घर से ये बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। सर हमारे देश के जो नौजवान लड़के हैं ये आपके जैसा प्री ओन कार का बिजनेस करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी हम आपसे लेंगे इस बिजनेस के बारे में। ओके चलेगा ना सर? यस यस श्योर, नो प्रॉब्लम। सर थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में लेना चाहेंगे, आप कब से बिजनेस कर रहे हैं? हम लोग ये बिजनेस यहाँ पे 2010 से रन कर रहे हैं। अच्छा, इसके पहले भी 10 साल से हमारा ऑफिस था लेकिन वो दूसरे लोकेशंस में था। अच्छा, अभी पुणे में प्री ओन्ड या फिर यूज्ड कार जो है उसका अगर मार्केट देखेंगे तो पुणे में सबसे बड़ा हड़पसर का मार्केट है। सर प्री ओन्ड कार मतलब ज़्यादातर ये गाड़ी लेने के लिए मतलब किस तरह के लोग प्री ओन्ड कार लेना पसंद करते हैं सर, और कितना बड़ा इसका मार्केट है? इसका एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मैं तो बोलूँगा कि न्यू कार मार्केट से भी बहुत बड़ा मार्केट है यूज्ड कार्स का, क्योंकि न्यू कार्स के अगर आप रेट देखोगे तो बहुत अभी ज़्यादा रेट से, क्योंकि जीएसटी है, जीएसटी की वजह से बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। और फॉर एग्जांपल अगर कोई 20 लाख रुपए का नया गाड़ी होगा तो ये अगर आप 2-3 साल यूज किया हुआ गाड़ी आपको हाफ ऑफ द प्राइस में यूज्ड कार मार्केट में मिलता है। तो उससे क्या है कि जो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए लोग आते हैं उनको बहुत अच्छा डील मिलता है और उनका पैसा भी बहुत बचता है। ये बिजनेस को एक्चुअली नेवर एंडिंग बिजनेस है ये, क्योंकि लोगों की ज़रूरत ही है, लोगों का मतलब पहला ड्रीम होता है कि एक खुद का घर चाहिए, उसके बाद सेकेंड इमीडिएट ड्रीम होता है कि खुद की कार चाहिए। सर जहाँ तक मुझे पता है जैसे सेकेंड हैंड गाड़ी या प्री ओन्ड कार में जैसे कुछ लोग गाड़ी खरीद के बेचते हैं, yes. और सर कुछ लोग कमीशन पे काम करते हैं, yes, yes. तो सर ये इसमें मतलब क्या फ़र्क रहता है दोनों में, कमीशन में और? देखिए हमारे पास जो हम जो बिजनेस करते हैं वो ये आपने जो दो मोड बताए वो दोनों मोड हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, हम लोग गाड़ी खरीद के भी बेचते हैं, उसके मतलब हम लोग प्राइम सोल डीलर्स है, मतलब हम लोग गाड़ी कस्टमर से लेते हैं, खरीदते हैं, जो डील होता है वो बिल्कुल पूरा ट्रांसपेरेंट होता है पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो ये हो गया डीलर का गाड़ी लेना, मतलब डीलर हम लोग है, कस्टमर से डायरेक्ट परचेस करते हैं। और दूसरा जो मोड होता है वो पार्क एंड सेल होता है। पार्क एंड सेल में क्या होता है, अगर किसी कस्टमर का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगा उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को एक ऑप्शन देते कि आप हमारे पास गाड़ी लेके आइए, हमारे यहाँ पे गाड़ी आप पार्क कीजिए, गाड़ी बेचने का जब जो जिम्मेदारी है वो हमारा, तो हम लोग आपको जो है वो गाड़ी आपको बेच के देंगे, उसमें हम लोग 2% कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। अच्छा। अगर सपोज किसी कस्टमर का गाड़ी रहेगा, अगर वो गाड़ी उनको 5 लाख रुपए में बेचना रहेगा तो वो हम लोग उनको हेल्प करते हैं। डील कंप्लीट होने के बाद स्टैंडर्ड जो बायर और सेलर होता है उनसे हम लोग 2% कमीशन लेते हैं। तो सर अगर हमारे देश का लड़का अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं, हाँ, तो मतलब कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा उसके लिए? देखिए अगर ये बिजनेस आपको करना है या फ्यूचर में प्लान कर रहे हो तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पूरा मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, और ख़ास करके नॉलेज सेकेंडरी है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉट जस्ट यूज्ड कार्स लेकिन आपको न्यू कार्स का भी पूरा मार्केट का इन्फॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए। तो अभी अगर आपको जैसे अगर स्टार्टअप होगा तो इंडिया के जो मार्केट लीडर है वो कंपनीज है मारुति, फर्स्ट अगर कार कोई लेता है तो वो पहले मारुति का ही सोचता है, मारुति का ही सोचता है। हाँ, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कम है, एवरेज हाँ, ज़्यादा है, प्लस अगर किसी बाहर लोकल वेंडर के पास भी अगर आप सर्विस कराओगे तो उसके यहाँ पे भी गाड़ी का सर्विस हो जाएगा। हाँ, तो उसके हिसाब से अगर आपको ये बिजनेस चालू करना है, अगर आप फ्रॉम द स्क्रैच अगर आप चालू करने का सोच रहे हैं तो आपको फिर आप मारुति कार से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ऑल्टो है, उसके बाद वैगनर है, उसके बाद स्विफ्ट है, ये जो मॉडल्स है उसमें आप इनिशियली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको 2013-14-15 ऑनवर्ड्स का कार जो है कम चला हुआ गाड़ी आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो 2 से 2.5 लाख रुपए में आपको मिल जाता है 2013-14-15 ऑनवर्ड्स का, अगर आप ऑल्टो देखोगे, प्लस उस पर आप 20-25 हज़ार रुपये आप इजीली कमा सकते हो।
तो ये अगर किसी को स्टार्ट करना है बिजनेस तो आप यू कैन स्टार्ट विथ मारुति। थोड़ा प्रोग्रेस होने के बाद हायर ब्रांड्स में आप शिफ्ट हो सकते हो, जैसे टोयोटा है, ह्यूंडई है, उसके बाद फिर BMW है, मर्सिडीज है, ये सब। और सर शुरुआत में जैसे अगर कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है तो मतलब कितने गाड़ी से मतलब स्टार्ट करना चाहिए? ये जो बिजनेस है ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें आपको आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। अभी अगर इनिशियली हर किसी का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और जो लोगों का बिजनेस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है उनको इनकम भी वैसे ही वो एक्सपेक्ट करते हैं। इनिशियली अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप 10 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। 10 लाख रुपए में आप 4-5 गाड़ियाँ लेके आप आपके जहाँ पे भी आपको मतलब अगर ऑफिस नहीं होगा घर पे होगा, घर से आप ऑपरेट कर सकते हो, घर से नीचे से ही घर के आपको आप बेच सकते हो गाड़ी। लेकिन इसके लिए क्या है, दिस इज़ अ टीम बिजनेस। ये किसी इंडिविजुअल को अगर करना है तो उसको पहले आपके अपने रिलेशंस बिल्ट अप करने पड़ेंगे, आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये बिजनेस कर सकते हो। अगर गाड़ी को आप लेते हो और उसके बाद अगर गाड़ी को कुछ काम रहेगा तो ये गाड़ी का काम करने के लिए कि आपके पास एक टीम होना ज़रूरी है। जैसे अगर कोई मैकेनिकल वर्क होगा गाड़ी में, सस्पेंशन का नॉइज होगा, कोई बुशिंग गया होगा, तो ये काम करने के लिए आपको आपके पास एक मैकेनिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉर्मल बॉडी लाइन पे अगर स्क्रैचेस होंगे तो बॉडी लाइन के स्क्रैचेस निकालने के लिए आपको डेंटर पेंटर की भी बहुत ज़रूरत है। उसके बाद एक्सेसरीज का कोई काम होगा, एसी का कोई काम होगा, अगर गाड़ी का एसी नहीं चल रहा होगा तो एसी का काम करने के लिए एक आपका मैकेनिक होना ज़रूरी है। तो दिस इज़ अ टीम बिजनेस। और ये जो बिजनेस है ये आप घर से भी ऑपरेट कर सकते हो। ये अगर आपके पास कोई सफिशिएंट पार्किंग स्पेस है वहाँ से भी आप गाड़ी मतलब खड़ा करके सोशल साइट्स जो है अभी बहुत सारे मार्केटिंग के एक्टिविटीज चल रहे हैं, जिसमें इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट कर सकते हो ऐड, फेसबुक का ऐड चलता है, यूट्यूब पे चलता है, उसके बाद OLX है, कार वाले है, कार देखो है, अभी मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। अभी अगर आप ये 10 साल पहले अगर आप देखते तो ये सब मोड्स नहीं थे हमारे पास, उसमें सिर्फ मतलब कस्टमर वॉक इन आता था, गाड़ी दिखाता था, फिर बेचता था। अगर आप देखोगे तो 8 out of 10 कस्टमर्स के पास OLX अपने मोबाइल में होता ही है। सही है। तो अभी मार्केटिंग एक्टिविटीज इतने स्ट्रांग है कि आप पुणे में या फिर ऑल ओवर इंडिया कौन से भी लोकेशन से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको क्या है कि थोड़ा मार्केटिंग के लिए पैसा डालना पड़ेगा, लेकिन उसका आपको रिटर्न्स बहुत अच्छा मिलता है। प्री ओन कार के बिजनेस में जैसे अच्छी डायरेक्ट जो सेलर है जो बेचना चाहते हैं उसको मतलब जैसे थोड़ा कम रेट में सब ऐसे लोग कैसे मिल सकते हैं? हाँ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि आप कॉन्टैक्ट्स आपके कैसे डेवलप करते हो। अभी ये बिजनेस करने के लिए आपको शोरूम से लीड आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। अगर आपका प्राइम लोकेशन पे अगर आपका ऑफिस नहीं होगा तो आपको कस्टमर तक जाना बहुत डिफिकल्ट है, या फिर कस्टमर को आपके पास आना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए आपको शोरूम से लीड डेवलप करना पड़ता है, शोरूम में आपको जाके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि कस्टमर जब गाड़ी बेचता है तो वो सिर्फ बेचता नहीं है, वो दूसरा गाड़ी भी लेता है। लेता भी। हाँ, तो मतलब 90% ऑफ द टाइम्स कस्टमर जो है वो गाड़ी अपग्रेड करता है। हाँ, जो गाड़ी लेते हैं ना वो गाड़ी बेचते भी है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर गाड़ी बेचना चाहता है तो वो क्या करता है कि नए गाड़ी के शोरूम में जाता है, क्योंकि नए गाड़ी के शोरूम में क्या होता है कि उसको एक ही जगह पे सब चीज़ें उसको मिल जाती है। मैंने आपको पहले भी बोला कि आपके पास टीम होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके हिसाब से अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको सारे आपके एरिया के शोरूम्स कवर करने पड़ेंगे, जाके आपको मिलना होगा, जो वहाँ पे जो एक्सचेंज का टीम है, एक्सचेंज के मैनेजर्स है, उनसे आपको रिलेशन बिल्टअप करना पड़ेगा, तो फिर आपको वहाँ से लीड मिलेंगे। तो सर इसमें शोरूम वालों का भी कमीशन होता है जैसे? यस, शोरूम का भी कमीशन होता है उसमें। अगर आप 5 लाख रुपए का गाड़ी लेते हो तो उनका स्टैंडर्ड जो है वो 2% या फिर 3% उनके चार्जेस होते हैं जो आपको शोरूम में पे करने पड़ते हैं। शोरूम में? हाँ, तो वो शोरूम में पे करके ही आपको फिर वो गाड़ी का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको गाड़ी वो हैंड ओवर कर देते हैं। सर इसमें कभी ऐसा होता है कि जैसे गाड़ी ली पर मतलब ऐसा वो जिस रेट में लिए उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो जैसे कम रेट में बेचनी पड़ी या वही दाम में बेचनी? यस, ये भी होता है। अभी बिजनेस, हर किसी बिजनेस में रिस्क होता ही है। बिजनेस करोगे आप तो उसमें आपको 100% प्रॉफिट मतलब देखना नहीं चाहिए, फ्रेंकली स्पीकिंग।
ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क भी रहता है। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपने कोई गाड़ी लिया है और अच्छे प्रॉफिट में बेचा है, या फिर ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि आपका, मतलब हम अभी इतने साल से बिजनेस में है लेकिन हमारे तरफ से भी कभी कभी गलती हो जाती है कि कोई गाड़ी मार्केट प्राइस से थोड़ा ज़्यादा पैसे दे के बाय किया है, या फिर कोई गाड़ी लेने के बाद समझा कि यार ये गाड़ी में बहुत ज़्यादा काम निकला है, तो वो हिसाब से फिर आपको ये ऑन एन एवरेज ये बिजनेस में थ्री मंथ्स का साइकिल होता है। थ्री मंथ्स तक आप एक गाड़ी जो है आपने संभालना चाहिए गाड़ी, तो फिर ये एक अच्छा डील या फिर अच्छा बिजनेस होता है। लेकिन कोई कोई गाड़ी में कैसा होता है कि अगर कोई ज़्यादा काम निकले या फिर गाड़ी बिक नहीं रहा है, तो उसमें आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की बजाय जल्दी उसको बेच के निकल जाना ही बहुत अच्छी बात है। तो इसमें लगभग तीन चार महीने में गाड़ी बेचनी चाहिए अगर कोई लेता है। हाँ, वैसे मैक्सिमम तीन मंथ्स का साइकिल बोला मैंने आपको। गाड़ी जितनी अच्छी होगी उतना कम टाइम लेगी वो बिकने के लिए, तो 15-20 डेज ऑन एन एवरेज एक मंथ में, तो मतलब एक महीने में तो गाड़ी जाता ही है। लेकिन कुछ कुछ गाड़ी जैसे हायर बजट का जो गाड़ी होता है उसको आपको 2.5 से 3 महीने का तो बफर टाइम रखना ही पड़ता है। इसमें सर कस्टमर को गाड़ी जब हम बेचते हैं तो क्या उनको वारंटी भी देनी पड़ती है? वो गाड़ी पे डिपेंड करता है कि गाड़ी कितना पुराना है। सपोज आप 2-3 साल के अंदर वाला गाड़ी लेते हो तो उस पर तो 100% शोरूम से ही आपको वारंटी गारंटी सब मिल जाता है। लेकिन हम लोग हमारी तरफ से भी गारंटी इंजन पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इलेक्ट्रिक में गाड़ी में वारंटी देते हैं। जितना रिसेंट गाड़ी रहेगा उस पर तो आपको 110% गारंटी वारंटी सब मिल ही जाएगा। या फिर अगर पाँच साल 8 साल पुराना गाड़ी है तो उसमें हम लोग पेड वारंटी देते हैं। जैसे आपको एक साल का नॉमिनल अमाउंट पे करना होता है, उसमें आपको जो भी गाड़ी का काम रहेगा वो सब हम लोग करके देते हैं। बराबर सर, एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि अगर ये बिजनेस अगर कोई करता है और अच्छा चलता है तो सर इसमें कितना पैसा मिल सकता है एक साल में बिजनेस अच्छा चला तो? देखिए, ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें आपको मार्केट का जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, बहुत ज़्यादा है। इसमें आप जितना पैसा आप डालोगे उतना आपको पैसे कमाने का ऑप्शन है। बराबर, तो इसमें कैसा है कि आप रिलीजियसली आप जो बेसिक्स जो है वो फॉलो करोगे और प्रॉपर कस्टमर सेटिस्फाई करोगे तो आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। 10-15 लाख से अगर आप बिजनेस चालू करेंगे तो उसमें आप एवरी मंथ 50-60,000 ईजिली आप कमा सकते हो। ईजिली कमा, हाँ। सर अगर कोई आपके पास गाड़ी खरीदने के लिए या फिर गाड़ी देखने के लिए आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं, कहाँ पे आपका एड्रेस? देखिए, हमारा जो ऑफिस है ये 10 साल से फातिमा नगर लोकेशन में है। फातिमा नगर जो है वो हड़पसर रोड पे है, मतलब मेन सिटी में ही अपना ऑफिस है। रोड के सामने ही आपको ऑफिस मिलेगा। 50,000-60,000 से अपने पास 30-50 लाख तक गाड़ियाँ है। ऑल टाइप्स ऑफ यूज्ड कार्स आपको प्री ओन्ड मिल जाएंगी। कोई गाड़ी लेता है तो उस पर अगर फाइनेंस करना है आपको तो फाइनेंस का भी ऑप्शन अपने पास है। प्लस हमारा इंश्योरेंस का भी टाई अप है। अगर किसी भी कस्टमर को, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स को किसी भी गाड़ी का कोई रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप कभी भी हमारे पास आ सकते हो। यहाँ से कोई भी जेन्युइन सर्टिफाइड कार आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्लस अगर आपको गाड़ी कोई बेचनी भी रहेगी तो आपकी गाड़ी लेके आ सकते हो। जो मार्केट में जो बेस्ट रेट चल रहा है वो रेट आपको यहाँ पे आप दे सकते हैं। और आपके पास लगभग कितनी गाड़ियाँ होती है वैसे अगर कोई आता है? अभी अपने पास ऑन एन एवरेज 60-65 कार्स हमारे पास है। उसमें हर तरह की गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, मारुति से लेके BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जैगवर। बराबर, तो दोस्तों अगर आपको गाड़ी खरीदनी है या फिर बेचनी है तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सर का एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दूंगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में थैंक यू सर करके कमेंट कीजिए, सर ने इतनी डिटेल में आप सभी को समझाया, इतनी जानकारी दी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।